भाजपा ने कांग्रेस पर बरसे शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोधी विरोध है। कांग्रेस को हमेशा शकुनी और चौसर का चक्रव्यूह क्यों याद आता है? कांग्रेस का चरित्र शकुनी, चौसर और चक्रव्यूह वाला है। कांग्रेस को याद भी आया तो कपट का प्रतीक, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। अब जिसकी जैसी भावना वो वही बोलेगा। हम कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ते भी नहीं है। सुनिए, उपसभापति जी, हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई छोड़ दे, छेड़ दे, तो फिर छोड़ते भी नहीं। असल में वहीं से आरंभ करना चाहता हूं। बेहतर होता वो आज यहां उपस्थित होते। माननीय उपसभापति जी, उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपर, चक्रव्यूह, और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुन तैसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था, और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, शकुनी, चौपड़ ये याद आते हैं? माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सदाम्यं, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभो भावी युगे युगे। हमको तो कन्हैया याद आते। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अत्याचार अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए मैं बार बार आऊंगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। लेकिन अनीति और अधर्म किसने किया? ठगी किसने की? माननीय उपसभापति जी, कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। एमपी में